भारत देश कई अनमोल जड़ी बूटियों और औषधियों का भंडार है। जरूरत है तो इन जड़ी बूटियों की पहचान करने की। यदि इन औषधियों और जड़ी बूटियों की पहचान करने की समझ आ जाए तो विभिन्न घातक बीमारियों का इलाज इनकी मदद से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी इन जड़ी बूटियों और औषधियों की पहचान करना नहीं आता। कई लोग आज भी इनकी पहचान करना और इनका उपयोग करना जानते हैं। जिले की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पलका में इन्हीं जड़ी बूटियों और औषधियों की पहचान करने वाले एक वैद्य हैं, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप दवाई खाने किस चीज की दवा है? हाथ गोड़े टूटने की। कौन खिलाता है यहाँ पे? यहाँ पे राजपूत खिलाते हैं। तो क्या यहाँ पे निःशुल्क खिलाई जाती है? निःशुल्क सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। कोई आप तो यहाँ इतने दूर से आए हैं, तो क्या महसूस हुआ यहाँ पर कि जब इतनी दूर से आए हैं आप, दवा का ठीक होते हैं दवाई से? वाजी ठीक है। बताया जाता है कि वैद्य इन जड़ी बूटियों से तैयार की गई औषधि की मात्र एक या दो खुराक खिलाकर लोगों की टूटी हड्डियां जोड़ देते हैं। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। यही वजह है कि वैद्य जी की यहाँ मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। तो किस लिए आए थे आप यहाँ? दवा खा लो। क्या कोई पैसा वैसा लगता क्या? नहीं। तो कितना आपको विश्वास है इस तरीके का कि यहाँ पे आते हैं तो लोग ठीक होते हैं? तो आते हैं। तो कैसे सुना आपने कि यहाँ पे इतनी अच्छी दवाई खिलाई? यहाँ खा जाते हैं, बहुत बंदे बताते कि वहाँ आराम मिलता है, सब आते हैं। बताया जाता है कि बादी जी के दवा खिलाने का तरीका भी अलग है। वे मरीजों को दवा खिलाने के पहले स्नान कराते हैं और उसके बाद भींगे बदन में मरीज को दूध के साथ दवा खिलाते हैं। दवा खिलाने के दिन भी मुकर्रर हैं। वे रविवार और बुधवार के दिन ही दवा खिलाते हैं। मरीजों की माने तो दवा का सेवन करने के बाद महज एक घंटे के भीतर ही असर दिखना शुरू हो जाता है। मोहम्मद जाहिद की रिपोर्ट। मथुरा से आया हूं, खन्ना था। तो आपकी कहां पर चोट थी, किस तरीके का क्या है? यहां पे चोट थी पीठ कमर में। कमर में। तो कितने दिन से आप इलाज करा रहे थे? मैं इलाज तो करा रहा हूं कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो यहां पर आप कितने बार आ चुके हैं दवाई? पहली बार आया हूं जी। तो कैसे आपने सुना कि दादा यहां दवाई दे रहे हैं? जी। तो जहां सुनते हैं वहां जाते हैं।